श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी गर्लफ्रेंड एक पार्टिकुलर वे में रिएक्ट करती है तो आप समझ सकते हैं कि वो सनकी है। तो कैसा रिएक्शन है हम वही आपको बताने जा रहे हैं। हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें इस बात या फिर आइडिया नहीं होता कि जिससे हम प्यार करते हैं वो कैसी है। वो लड़के के लिए परफेक्ट है या नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये महसूस करते हैं कि वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, या फिर हमारे जो विचार हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं उससे नहीं मिलते हैं। तो कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी पार्टनर के प्रति आपका शक जाना संभव है कि कहीं ये सनकी तो नहीं है थोड़ी बहुत। तो रिएक्शन क्या है? जैसे पहली चीज, बात बात पर झूठ बोलना। प्यार या फिर कोई भी रिश्ता हो वह तब सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब उसका जो आधार है वो सच्चाई पर टिका हो। सबसे ज्यादा मजबूत तब होता है जब एक दूसरे से कोई झूठ नहीं बोला जाए। अगर आपकी पार्टनर बेवजह आपसे झूठ बोलती है जिसे आप पकड़ भी लेते हैं तो समझ लीजिए कि दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। फिर स्विंग ऑफ मूड्स, हमेशा मूड का बदलना। अगर आपके पार्टनर का मूड का कोई पता ही नहीं होता, वो कब खुश हो या फिर कब गुस्सा हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसका दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाली है। फिर बिना सोचे समझे कहीं भी झगड़ा कर लेना और किसी भी प्लेस पर झगड़ा कर लेना। अगर आपके पार्टनर किसी न किसी बात के लिए दूसरे लोगों के सामने झगड़ जाती है तो ये सही नहीं है, इससे आपकी भी और उसकी भी इमेज खराब होती है। जो झगड़ा और बातें घर के बाहर करना, यानी कि उसका जो दिमाग है वो फिर फिरा हुआ है। फिर पिछले रिश्तों के बारे में हमेशा बातें करना। किसी किसी लड़की की आदत होती है कि वो पिछले रिलेशन के बारे में बार बार बात करती है। आप ना चाहते हैं फिर भी वो आपको अपनी बात कहती देती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो मेंटली डिस्टर्ब है। फिर बार बार कॉल करना, मैसेज करना। अगर आपकी पार्टनर बार बार आपको कॉल करे या फिर मैसेज करके परेशान करे, तो वैसे टाइम पे जो जनरली कॉल या मैसेज का टाइम नहीं हो, तब आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण कभी कभी आपका जीना आराम हो जाता है, आप चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सनकी है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।